आपको बता दें अगली खबर, एमपी में G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीजीपी ने केंद्रीय गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी है। वीवीआईपी सुरक्षा में एटीएस के जवान करेंगे एस्कॉर्ट। आपको बता दें कई देशों के राजदूत और नेताजी भी होंगे इसमें शामिल। एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक पुलिस का पहरा रहेगा। भोपाल से इस वक्त की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें एमपी में G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी। डीजीपी ने केंद्रीय गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी है। आपको बता दें वीवीआईपी सुरक्षा में एटीएस के जवान एस्कॉर्ट करेंगे। कई देशों के राजदूत और नेता इसमें शामिल होंगे। एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक पुलिस का पहरा, कड़ा पहरा रहेगा। बात करेंगे विवेक पांडे से और अधिक जानकारी लेंगे एमपी में G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर। जी विवेक, जिस तरह से ये बहुचर्चित G20 सम्मेलन की तैयारियां एमपी में पूरी कर ली गई हैं, डीजीपी ने केंद्रीय गृह विभाग को रिपोर्ट भी भेजी है, क्या अधिक जानकारी पूरे इस G20 सम्मेलन को लेकर विवेक? देखिए, नए साल में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है। 3 दिवसीय ये सम्मेलन इंदौर में आयोजित होगा और जो तमाम वीवीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उनको लेकर केंद्रीय गृह विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और डीजीपी ने पिछले ही दिनों ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह विभाग को भेज भी दी है और ये बताया है कि वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए एटीएस के जो कमांडो है उन्हें लगाया गया है जिससे किसी भी तरीके की सुरक्षा संबंधी विषयों में कोई दिक्कत ना हो और करीब इंदौर में 3,000 से अधिक कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। एयरपोर्ट से लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक और उनके रुकने के स्थान यानी कि होटल तक पूरी निगरानी पुलिस की रहेगी और इस पूरी सिक्योरिटी प्लान का ब्यौरा डीजीपी ने केंद्रीय गृह विभाग को दिया है और 5 जनवरी से ही एटीएस का जो स्पेशल स्क्वाड है वो पूरी तैयारी शुरू कर देगा और 5 जनवरी से ही जो कार्यक्रम स्थल है उस पे एटीएस के जो अधिकारी हैं उनका कैंप हो जाएगा। यानी कि 5 जनवरी से ही अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए जुट जाएंगे। इसके अलावा खासतौर पे जो रूट है, कार्यक्रम के जो रूट है जहां से वीवीआईपी का मूवमेंट होगा उस इलाके में जो स्नाइपर से वॉच टावर पे खड़े होकर जवान हैं वो तैनात रहेंगे जिससे किसी भी खतरे को भांपते हुए पहले ही अलर्ट कर दिया जाए। वॉच टावर से निगरानी भी की जाएगी। करीब ऐसे 70 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं इंदौर में ही G20 सम्मेलन के लिए जहां से जो वीवीआईपी मूवमेंट होगा उस दौरान निगरानी रखने के लिए पूरे वॉच टावर लगे रहेंगे। इसके अलावा जो होटल है, तमाम होटल है वहां पे जो कर्मचारी हैं होटल में काम करने वाले उनकी वेरिफिकेशन भी कराई गई है जिससे कि किसी भी तरीके की सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए और डीजीपी ने आश्वस्त किया है कि जो पीएम और राष्ट्रपति की सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है ठीक उसी तरीके का प्रोटोकॉल भी वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों के भी कई राजदूत और लीडर्स इस G20 सम्मेलन में शामिल होंगे। इस लिहाज से इंटरनेशनल सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में लागू कराया गया है और कार्यक्रम से 72 घंटे पहले ही पुलिस इस पूरे सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर अलर्ट भी रहेगी। जी विवेक, जैसा कि आपने जानकारी दी और G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई, दर्शकों को बताना चाहेंगे एटीएस के जवान एस्कॉर्ट करेंगे इस पूरे सम्मेलन में और डीजीपी ने केंद्र को रिपोर्ट भी भेज दी है। G20 सम्मेलन के संबंध में राजदूत और नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मध्य प्रदेश में।